हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एपिसोड 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी के एपिसोड्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई है, और अगर जिन एपिसोड्स की नहीं की गई उनकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन हम पढ़ रहे थे, आज हम हड़प्पा सिविलाइजेशन में इकोनॉमी की बात करेंगे। और वो पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप हमारे सभी एनसीईआरटी कोर्सेज को जो कि टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में है डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके परचेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम को भी चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 30,000 स्टूडेंट्स की कम्युनिटी ऑलरेडी बनी हुई है। इकोनॉमी की मैं अगर बात करूँ तो इकोनॉमी हड़प्पा सिविलाइजेशन की काफ़ी फुल फ्लैश्ड थी। मतलब ये मेसोपोटेम जो सिविलाइजेशन था वो इंदस रीजन को मेलुहा कहता था, मेलुहा। और मेलुहा टेक्स्ट जो है वो 3 इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस की ही बात करते हैं। एक तो दिलमुन, मकान और मेलुहा। तो दिलमुन तो समझ में आता है कि पर्शियन गल्फ को कह रहे हैं, मकान भी समझ में आता है कि मकरण कोस्ट को कह रहे हैं, तो मेलुहा किसको कहेंगे? हड़प्पा को। ब्रेड बीड मेकिंग फैक्ट्रीज भी थी, बीड्स बनती थी चानुदारो लोथल में, और एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा होता था। डॉकयार्ड भी मिला है लोथल में, और सी पोर्ट्स भी कई जगह मिले हैं। स्टैंडर्डाइजेशन और एक्यूरेसी रही थी हमेशा से। वेट्स, वजन जो था वो आराम से नापने का सिस्टम उनके पास था, और वजन जो जिन संख्याओं में नापे जाते थे वो 1, 2, 8, 16, 32, 64 के करीब थे, और डेसिमल मल्टीपल्स भी थे, फिर 16, 160 के मल्टीपल्स भी थे, ठीक है। और जो वजन नापने की जो वस्तु होती थी वो चर्ट, लाइमस्टोन, सेटाइट से बनी हुई थी, क्यूबिकल होती थी नेचर में, शेप में क्यूब में बनी हुई थी, ठीक है। ये मेटल्स है जो हम इंपोर्ट करते थे, गोल्ड करते थे अफगानिस्तान, ईरान, कोलर से, कॉपर खेतरी से, टिन अफगानिस्तान से, लापिस लजूली अफगानिस्तान से, जेट पमीर से, स्टेटाइट टापी चाहया ईरान से, लीड साउथ इंडिया से, बुटमिन बलूचिस्तान मेसोपोटामिया से। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ब्रोंज जब वो बनाते थे तो वो जहाँ तक मुझे याद है टिन प्लस कॉपर से बनाते थे। तो ना हड़प्पा में टिन मिलता था, क्योंकि टिन हम कहाँ से ला रहे हैं, ना कॉपर मिलता था। कॉपर हम लाते थे कालीबंगन राजस्थान से, मतलब अच्छे से कालीबंगन से वहाँ से कॉपर लाते थे, और टिन जो था वो भी हमको बाहर से मंगाना पड़ता था, अफगानिस्तान से, ईरान से, समझ रहे हो ना, कॉपर खेतरी से और टिन अफगानिस्तान ईरान से। और इन दोनों को मिला के हड़प्पा वाले ब्रोंज बनाते थे। तो ब्रोंज जो संख्या में मिला है वहाँ पर स्कल्पचर्स, वो वहाँ पे बनाया नहीं गया, उसका जो रॉ मटेरियल है कॉपर और टिन वो बाहर से लाया गया था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हड़प्पा में हुई। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। रिलीजन की बात करें तो सेकुलर सोसाइटी थी, सिंगल स्ट्रक्चर, एक मतलब कोई टेंपल नहीं था, कोई पैलेसेस नहीं थे रूलर्स के जैसे मेसोपोटामिया में, इजिप्टियन में थे, कोई भी बड़े बड़े महल नहीं थे। हाँ, वो सिटाडेल मैंने आपको बताया था जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए था, रिच लोगों के लिए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पहले से टेम्पल्स नहीं था। पूजा वो करते थे, वर्शिप करते थे मदर गोडेस की करते थे, पशुपति महादेव की करते थे, योगिक पोस्चर में थे, तो देखिए योगा की इंपॉर्टेंस तब भी थी। पशुपति शिवा लिंगम, पीपल ट्री, पीपल ट्री तो आज भी हिंदूज में काफ़ी सेक्रेट माना जाता है, पवित्र माना जाता है, वर्शिप की जाती है। हम्ड बुल, मैंने आपको फोटो बताई थी उस दिन, हम्ड बुल, बर्ड्स, वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न, इन सब की वो पूजा करते थे। यूनिकॉर्न जो है वो एक तरीके से हॉर्स का ऊपर एक हॉर्न जो होता है हॉर्स के ऊपर, उसको यूनिकॉर्न, वो उस शेप में था, उसको यूनिकॉर्न कहते थे। लेकिन ये यूनिकॉर्न नाम का एनिमल कभी आज तक हमको दुनिया में दिखा ही नहीं, तो एक तरीके से राइनोसोरस से आप इसको डिनोट कर सकते हैं कि राइनोसोरस था, लेकिन कुछ ऐसे तरीके से बनाया गया था यूनिकॉर्न की तरफ से। फायर एल्टर कालीबंगन लोथल में पाए गए, डेड बॉडीज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में थी, और जनरली उनके साथ में फूड, पोटरी, ऑर्नामेंट्स और टूल्स भी गाड़े जाते थे। 3 तरह के बुरियल होते थे, जब लोग मर जाते थे तो 3 तरीके से उनको गाड़ते थे। तो कंप्लीट बुरियल मतलब जैसा मरा है शव ऐसा कैसा डाल दिया, फ्रैक्शनल मतलब कोई अगर हड्डियाँ किसी की अलग अलग है तो उनको अलग अलग जगह रख दिया, मतलब उनको जो है फ्रैक्शन में जो बुरियल्स है उनको यहाँ पे रखा है,
और क्रीमेशन भी कई बार होता था। लोथल में तो देखा गया कि एक मेल और फीमेल का स्केलेटन साथ में जो है यहाँ पे गड़ा हुआ है, डिस्कवर हुआ था। तो इससे पता चलता है कि सती का भी एक, मैं कंफर्म नहीं कह रहा लेकिन मैंने पढ़ा था कि फीमेल और मेल का स्केलेटन जो कि यंग एज में थे, काफ़ी माने जा रहे थे 31-32 कुछ ऐसा यंग एज था, मैं फिक्स नहीं हूँ अभी, लेकिन वो एक तरीके से देखा गया था कि मेल के साथ जो फीमेल है वो भी उन जो है गाड़ी गई थी जब उनका बुरियल हुआ था। ये भी हो सकता है कि दो लवर हो और फिर उनको जो सोसाइटी ने, वो एक थ्योरीज है। लेकिन आप ये याद रखिएगा लोथल में मेल और फीमेल स्केलेटन्स डिस्कवर हुए थे। एग्रीकल्चर की बात करूँ तो कॉटन को सिंदोन कहते थे, सीजन्स की नॉलेज थी, कब गेहूँ उगाना है, कब कहाँ क्या क्या उगाना है, ये क्रॉप्स का आपके सामने दे रखा है मैंने पूरा ब्योरा, राइस, सीसम, ग्राम, पीज। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था लार्ज स्केल पे, कैटल, कैट्स, डॉग्स सब डोमेस्टिकेट किए जाते थे। हॉर्स रेगुलर नहीं मिलता था, सुतका जंडोर में बोन मिली थी हॉर्स की। हॉर्स सेंटर्ड नहीं था, ऐसा नहीं हॉर्स नहीं था, हॉर्स सेंटर्ड नहीं था, एलिफेंट और राइनोसोरस जितने थे उस हिसाब से हॉर्स नहीं मिले। और वुडन प्लक्स जो होते थे यहाँ पे, फिर बाद में आयरन प्लक्स आए बुद्धा के टाइम पे जिससे प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा बढ़ा, लेकिन प्रोडक्शन ये भी करते थे लेकिन अभी भी वुडन प्लक्स ही यूज़ करते थे, पहले से तो अच्छा प्रोडक्शन कर लेते थे। खैर सुतकोडरा में मैंने आपको कहा कि हॉर्सेस के रिमेन्स भी पाए गए और रोपर में डॉग्स की रिमेन्स पाए गए जो मैन के साथ बुरियल था, जिनका मैन जो अपनी कब्र में था उसके साथ कुत्ते की हड्डियाँ भी थीं। तो देखा गया कि पालतू जानवर भी जो है, ताकि वो मरे और कहीं जाए, इंसान मर के स्वर्ग वगैरह में कहीं जाए तो उसका पालतू जानवर भी उसके साथ चले जाए, और इसी साइकोलॉजी के साथ वो ऑर्नामेंट्स और पोर्ट्स और जो नेकलेसेस वगैरह जो टूल्स हैं वो गाड़ते थे ताकि ये आदमी की जो फेवरेट चीज़ें इसके साथ ही चली जाए। डिक्लाइन होना शुरू हो गया आर्यन इन्वेजन, व्हीलर ने बात बोली, मैंने कहा हॉर्स सेंटर्ड नहीं था, तो कहा जाता है कि जो आर्यन थे वो हॉर्स ले लेके आए और इनको मारा। आर्यन इन्वेजन भी इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की बात भी होती है, कोई कहते हैं नदियों का चेंज जो है हो गया कोर्स, तो पानी नहीं मिला तो सिविलाइजेशन रहेगी कैसे, रेनफॉल कम होगी, फ्लड आ गई, घाघर सूख गई, घाघर जो है वो आपकी उस टाइम नदी थी, और अर्थक्वेक जो है आ गया, नेचुरल कैलमिटीज़ देखी गई। तो ये कुछ थ्योरीज़ हैं, इन पे जो है अभी विचार चल रहे हैं। तो ये आज का हमारा हड़प्पा कंप्लीट हो चुका है, कल फिर मिलते हैं एपिसोड 9th में। धन्यवाद।